अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया के टूरिस्ट वीजा के बारे में और सऊदी अरबिया के पर्सनल विजिट वीजा के बारे में। पर्सनल विजिट वीजा के बारे में काफी ज्यादा मैं वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ी सी डिटेल आज हम बताएंगे सऊदी टूरिस्ट वीजा के बारे में और दोनों को हम कंपेयर भी करेंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो सऊदी अरबिया का टूरिस्ट वीजा लगवा लेते हैं लेकिन पर्सनल विजिट वीजा के बारे में वो बिल्कुल भी जानते ही नहीं है। टूरिस्ट वीजा एक तरह से सऊदी अरबिया का विजिट वीजा ही होता है। काफी अरसा से ये विजिट वीजा जो है कैटेगरी का सऊदी अरबिया आपको प्रोवाइड कर रहा है, जबकि पर्सनल विजिट वीजा कुछ अरसा पहले से सऊदी अरबिया ने शुरू किया है और अपनी कैटेगरी में ये एक नया वीजा शामिल किया है। याद रखिएगा कि सऊदी टूरिस्ट वीजा के अंदर हर कोई टूरिस्ट बनकर जा सकता है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, किसी भी रिलीजन का हो, इवन के किसी भी एज का हो। और मजे की बात यह है कि इसके लिए मेडिकल भी आपको नहीं करवाना पड़ता। जो लोग मेडिकली अनफिट होते हैं वो सऊदी टूरिस्ट वीजा का सहारा लेकर सऊदी अरबिया में आ जाते हैं और ये वीजा स्पेशली घूमने फिरने के लिए होता है। हाँ, आप सऊदी अरबिया के किसी भी सिटी में चले जाएं और इसके लिए उमरा भी अदा आप कर सकते हैं। इसके लिए किसी किस्म की आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। याद रखिएगा इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी टफ होती है। इसके लिए आपको बायोमेट्रिक करवाना पड़ता है, वीजा स्टैंपिंग करवानी पड़ती है, पासपोर्ट सबमिट करवाना पड़ता है और इसके अलावा मजीद डॉक्यूमेंट भी आपको लगवाने पड़ते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपका अच्छा होना चाहिए प्रॉपर, और 6 से 7 लाख रुपए पाकिस्तानी और 2 लाख रुपए तक इंडियन होना चाहिए ताकि आप सऊदी अरबिया में बआसानी एक्सपेंस कर सकें। इसके अलावा फर्दर डॉक्यूमेंट्स में कवरिंग लेटर चाहिए होता है, बिजनेस करते हैं तो चैम्बर का कार्ड चाहिए होता है, लेटर हेड विजिटिंग कार्ड प्रोवाइड करना पड़ता है, एसेट आपको शो करवाने पड़ते हैं, जॉब करते हैं तो जॉब लेटर एनओसी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके अलावा आपको होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, काफी मतलब ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ उमरा करने जाने वालों के लिए ये वीजा हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब एक बंदे ने सिर्फ उमरा करना है तो वो ये वीजा लगवाएगा, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन टफ हो जाएगी। और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट का आपको पता है काफी जंबेला आपको रहेगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट अगर आपके दुरुस्त ना हुए तो ये वीजा आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। और एयरपोर्ट पर आपको इस वीजा पर शो मनी भी करवानी पड़ती है, आपको अच्छे खासे रियाल इमिग्रेशन ऑफिसर को शो करवाना पड़ते हैं क्योंकि आप एज अ टूरिस्ट गए हैं तो वहां आप अमाउंट कैसे स्पेंड करेंगे, खाना कैसे खाएंगे, होटल कैसे लेंगे, इवन के आप डिफरेंट प्लेसेस पे जो पेड होती है वहां पे कैसे आप टिकट परचेज करेंगे और फिर वापस भी आपने आना होता है। और एक और चीज याद रखिएगा, विद इन अ वीक ये वीजा वैसे आपको मिल जाता है, 1 साल के लिए ये वीजा होता है लेकिन इस वीजा पर टोटल आप सिर्फ 90 डेज तक रुक सकते हैं। मतलब आप चाहे एक ही वक्त में 90 डेज तक सऊदी अरबिया में स्टे कर लें, चाहे 1 महीना स्टे करके वापस अपने कंट्री चले जाएं क्योंकि मल्टी एंट्री वीजा होता है, फिर दोबारा आ जाएं, फिर महीना रह ले, इस तरह 3 माह, मतलब टोटल आपने 90 डेज यहां पे स्टे करना है। चाहे आप ब्रेकअप में कर लें, चाहे आप एक ही वक्त में कर लें। पर्सनल विजिट वीजा इससे कहीं ज्यादा बेहतर, सॉरी फ्रेंड्स माजरत के साथ, ये ना आबे जमजम की बोतल है उसकी ये पैकिंग होती है, इस तरह की आबे जमजम की पैकिंग है जो आपको एयरपोर्ट से मिलती है। आपका पासपोर्ट दिखाकर वहां से आपको 12.5 रियाल की आबे जमजम की बोतल मिलती है। हम भी लेकर आए थे तो ये उसकी पैकिंग थी, ये इधर पड़ी हुई है। इस तरह की पैकिंग जो है वो एयरपोर्ट से आपको मिलती है। अभी हम बात करेंगे पर्सनल विजिट वीजा के बारे में। जो पर्सनल विजिट वीजा है ये इससे कहीं ज्यादा बेहतर होता है। इस पर आप पूरा साल सऊदी अरबिया में स्टे कर सकते हैं, मतलब 365 डेज तक, लेकिन इसके अंदर भी आपको व्यक्त वक्त में 90 डेज तक स्टे करना पड़ता है। उसके बाद आपको एक दफा एग्जिट करना पड़ता है, फिर वापिस आकर 90 डेज स्टे कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल 1 साल तक यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। और ज्यादातर लोग, बिल्कुल सस्ता रेंट होता है, किराया लगता है आपका, बसों पे जाकर जॉर्डन से एग्जिट कर लेते हैं 90 डेज के बाद या बहरीन से एग्जिट कर लेते हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि डॉक्यूमेंटेशन की बिल्कुल भी ज्यादा जरूरत नहीं होती, ना बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप टूरिस्ट वीजा की बजाय पर्सनल विजिट वीजा लगवाएं ताकि आपको हर तरह से पर्सनल विजिट वीजे में आसानी पैदा हो।
यकीनन मुख्तसर सी मालूमात आपको अच्छी लगी होगी। मजीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए एलीट साकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाए। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे कसरत से रोजाना दुरूद पाक भेजा करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।